कहीं अपने बाप से कंप्लेन ना कर दे यार। अरे यार इतनी दूर की मत सोच, टेंशन मत ले, समझा, सब ठीक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंग पर जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है बॉबी, तूने खामखा 4 साल ऐसे ही बेकार कर दिए। बी कॉन्फिडेंट यार, तू जितना कॉन्फिडेंस से बात करेगा ना तो उतनी ही जल्दी गीता तेरी बातों से कन्विंस हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार। सुनना, बाल कृष्ण की तरफ से प्रपोज कर दे। वो एक्शन करने नहीं जा रहा, चुप कर। ए बॉबी, हम यही खड़े हैं, आइटम आने के बाद सिग्नल दे देंगे, ओके? अबे वो इसकी लवर है, उसके फिगर की बात मत कर, उसको दीदी बोल, समझा? जो बोला याद है ना? हाँ। चल जा। अरे ए, ऑल द बेस्ट, अब जाना यार। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। गीता। हाँ, क्या हुआ बॉबी? सिद्धू पिछले 4 साल से तुमसे प्यार करता है, प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उनसे दूर रहा करो। गीता तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है वो, उसने सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लिए हैं, वो कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया है और जॉब भी मिल गई। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं ना उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उसके रिकॉर्ड्स लिखते हो, उसके प्रोजेक्ट्स बनाते हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एग्जाम में पास होता है और तुम्हारी वजह से कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। वो किसी काम का नहीं है और ये मुझे अच्छे से पता है। वो मानेगी क्या? वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे? मैं लिप रीडिंग करता हूँ। ऐसा मत करो बॉबी, मुझे भी सिद्धू पसंद है, अगर मेरे पापा प्रिंसिपल नहीं होते तो मैं उसके साथ भाग जाती। ऐसा कह रही है। अबे तू सच बोल रहा है क्या? भरोसा रख यार। उसकी बातें छोड़ो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो बोलो, मैं सोचूंगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। गीता ये रख लो ना, उससे अच्छा लगेगा। उससे कहना कि इसे डस्टबिन में डाल दे। उसे भूल जाए यार, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही खास बात है कि वो प्रिंसिपल की बेटी है, बाकी उसमें कुछ अच्छा नहीं है, तो उसे भूल जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे सिद्धार्थ, तुम ना अपने हद पार कर रहे हो, तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। ए, उसने अपने बाप को बता दिया तो? अबे उस बुड्ढे की तो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को प्रपोज करने की? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुशीला। सर, इन बदमाशों को सस्पेंड किया जाता है, ऐसा एक लेटर टाइप करो, उसके बाद पूरा कॉलेज खुशी मनाएगा। ओके सर। सर, इस कॉलेज में हमारे 4 ही दिन बचे हैं तो ये सब क्यों? हाँ क्यों रे, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो सुशीला। सर, लेटर में ये भी मेंशन करना कि इनका कैरेक्टर खराब है, जॉब प्लेसमेंट में इनकी नौकरी छिन जाएगी। फिर से आ गया, इनकी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दिया। तुम अपनी क्लास में जाओ। मेरी बात तो सुनिए, सुरेश और गैंग ने मुझे लव लेटर लिखा है। तुम्हें क्या हो गया? वो प्यार जो प्यार को प्यार करता है, प्यार को प्यार करने वाला प्यार वो। सुशीला, इसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करो। यस सर। आप कौन है बेटा? रमेश और कंपनी डैड। जो मिल जाए वही सही, जो ना मिले उसके लिए क्या करना। सुशीला। सर, अगर हम इसी तरह सबको बुरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम किसी एक को देंगे तो? तो क्या मैं ही बेकार हूँ? यस सर। एक काम करो, मेरी बेटी को ही सस्पेंड कर दो। डैडी, इसी में हम लोगों की भलाई है। गुड आइडिया सर। अब जाओ, जाके टीवी पे सास बहू का सीरियल देखो। डैडी। ए सिद्धू के बच्चे, जा जाके मजे कर ले, लेकिन याद रखना एक प्रोजेक्ट लटका हुआ है, तुझे दिन में तारे दिखा देगा। Oh,
हमारे कॉलेज की तुलना में ना जेएनटीयू की लड़कियाँ ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा? बिल्कुल सही कहा तूने, ये बात तो सच है। मैं सच बोल रहा हूँ। कहाँ जा रहे? अरे ये किसी के एग्जाम का हॉल टिकट है यार, और 10:30 बजे ही एग्जाम है, इसके बिना वो एग्जाम नहीं दे पाएगी। अरे बॉबी तो हमें उससे क्या, अबे आधे घंटे में पेपर है यार, अभी देकर आता हूँ, एक मिनट। समझा यार इसको। ए, 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 जब तक वो नहीं आते तब तक खाने के लिए कुछ मंगाना। सर प्लीज, देखो तुम बिना हॉल टिकट के एग्जाम में नहीं बैठ सकती। सर मेरी जिंदगी का सवाल है। कितनी बार बोलूं, तुम बिना हॉल टिकट के एग्जाम में नहीं बैठ सकती। हेलो, मैं इतना समझा रहा हूँ तो भी नहीं समझ रही है, क्या लड़की है। हेलो बोलिए। कहो तुम? मैं मंदिर में हूँ। मंदिर किस लिए गई थी? मैंने एक मन्नत मांगी थी ना, इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार और थैंक यू बोलना पड़ेगा। वो किस लिए? ये तुम्हारा हॉल टिकट। हे भगवान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, थैंक यू सो मच। अबे सिद्धू, हमारी कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुझे प्रिंसिपल की बेटी ही क्यों चाहिए? अगर हम अपने प्रोजेक्ट में फेल हो गए तो हमारी नौकरी भी हाथ से जाएगी। है लड़कियों पर जब जवानी का निखार चढ़ता है ना तो बहुत हॉट लगती हैं वो। तेरी भैंस की टांग, इधर जलते तवे पर बैठे हैं और तुझे बस आंटी और लड़कियां चाहिए। तू बाल कृष्ण का फैन हो ही नहीं सकता। अरे जो कुछ भी होगा वो बॉबी खुद संभाल लेगा ना। तुझे बाल कृष्ण का नाम ही जब बस। ए, जब तक तू प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेगा ना तब तक शराब और सिगरेट से दूर रहेगा। जरा प्रोजेक्ट पे फोकस कर यार, नहीं तो अपनी लग जाएगी। चल स्टार्ट कर, कैसे भी करके इसे सुबह तक पूरा कर देना। हे कर देगा ना? ठीक है चल। हाँ बोलो माँ। क्या कर रही हो बेटी? सुबह जो पेपर दिया था बस वही चेक कर रही थी कि कितने मार्क्स मिलेंगे। संभल कर बेटी, अगर दमाजी को पता चला कि तू पढ़ाई कर रही है तो जीना हराम कर देंगे हमारा। हॉस्पिटल गई थी? गई थी माँ, मामूली सी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। उनका मानना है ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हो सकता है, टैबलेट लिख कर दी है। ये सब हमारी वजह से है बेटी, हमने तेरी शादी करके जिंदगी नरक बना दी, हमें माफ कर दो बेटी। माँ मैं यहाँ पर खुश हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। पता नहीं कैसे उसे बर्दाश्त करती हो, क्या उसे पता है कि तुम हमसे बात करती हो? नहीं माँ। माँ माँ शायद वो आ गए हैं, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ।
बोलने में इतनी देर क्यों? वो गैस पर दूध चढ़ा हुआ है। अच्छा, खाना निकालो? अभी नहीं। कहाँ हो? अभी आई। क्या है ये? हाँ, दूध। तुम पी लो। चीयर्स। लेट जाओ। बात करेंगे, सो जा। क्या आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं? अगर आपका यौन जीवन सुखद नहीं है तो परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। कई बार बात करने से ही सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। बोलना बहुत आसान है, मेरी जगह रहकर देखो, तब मेरी तकलीफ समझ आएगी, बात से बात बनेगी। जाकर बात करो, कुछ भी बोलते हैं, जाओ खुद जाकर बात कर लो। बढ़िया ही प्यार लो, कोई देगा तो लूंगी ना। रख तेरा प्यार, कुछ भी बोलते हैं, चुप कर, नहीं चाहिए मुझे। हाय, दिस इज बॉबी। वो हॉल टिकट लेकर आया था ना? हाय, थैंक्स, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। थैंक्स बोल के टाल रही हो, कॉफी नहीं पिलाओगी क्या? एग्जाम के बाद में तुम्हें ढूंढ रही थी पर तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। तो हम कल मिले? नामुमकिन, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब मैं कल्याण कभी नहीं आऊंगी। तुम इतने डल क्यों हो? क्योंकि एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ कॉफी पीने का चांस मिस कर दिया। तुम शादीशुदा है ना? तू अभी तक सोई नहीं? शादी का सोने से क्या संबंध है? मतलब तुम अकेला महसूस नहीं करती होगी ना? इसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? हेलो, कहाँ गई? मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर हैं, बस आते ही होंगे। ओह, उन्हें तुम्हारे एग्जाम्स के बारे में पता नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? मॉर्निंग में घंटी मैंने बजाया था। वैसे तुम कहाँ की हो? तुम्हारी एज? गलत सवाल। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा? ये कुछ ज्यादा ही तेज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
ए, गाड़ी की चाबी लेकर आओ। दरवाजा बंद कर लो। हाँ बोलो। कल तुम लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो ना। तुम्हारे पति रोमांटिक है क्या? बहुत। ये तुम्हें कैसे पता? हाँ? मुझे क्यों नहीं पता होगा, तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। कौन अच्छा खाना बनाता है, तुम या तुम्हारी पड़ोसन? मैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उसके हाथ का बुरा खाना कई बार खाया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, दोबारा कभी नहीं खाने वाली। अब बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पति रोमांटिक है या नहीं? हेलो। हाँ जी सुनो, आज रात मेरी ड्यूटी पुणे हाईवे पर है, इसलिए रात को घर नहीं आऊंगा, तुम खाना खा के आराम से सो जाना। ठीक है जी, बाद में बात करता हूँ। तुम्हारे पति रोमांटिक है क्या, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पति रोमांटिक है क्या, तुम्हें कैसे पता? मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति रोमांटिक है या नहीं। यस। ये क्या है? मेरी परमिशन के बिना मुझे छूना मत। सॉरी। मेरा मतलब है परमिशन लेकर तुम मुझे छू सकते हो। एक मिनट। मेरे पति मुझे अभी कॉल करने वाले हैं। हेलो।
हाँ जी। क्या कर रही हो? बोर हो रही थी तो टीवी देख रही थी। एक नई फिल्म आई है ना ई टीवी पर, चित्रम, माँ टीवी पर प्रेम कथा चित्रम, जेमिनी पर RX 100। पर तुम ऐसी फिल्में तो नहीं देखती हो? वो मैं यहाँ अकेले रहकर बहुत बोर हो रही हूँ। आप जल्दी क्यों नहीं आ जाते? 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या जी? 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है जी। मेरे पति कल सुबह 10 बजे तक नहीं आने वाले। तुमने मुझे मारा क्यों? हाँ? अरे से क्या हुआ? लाइट ओके। मेरे पति आ गए। इतनी जल्दी कैसे? अब मुझे क्या पता। चलो निकलो जल्दी। पर बाइक की आवाज नहीं आई। अरे ऐसे टाइम पर तुम मुझे उल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो मार डालेगा। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी करो। अरे कहाँ से जाऊँ मैं? यहीं कहीं छुप जाओ, जल्दी करो। अभी आई। जल्दी 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 करो, छुप जाओ। वो अंदर अपना शूज भूल गया। तोड़ा था ना, उसने देख लिया तो जान से मार डालेगा। वो समझ में नहीं आता। जाओ। आरे आरे। इतना टाइम क्यों लगा? मेरी आंख लग गई थी। आपको भूख लगी है क्या? खाना लगा दूं? नहीं, मैंने खास आपके लिए चिकन सांभर और रसम बनाया है। क्या बोली? मैंने चिकन सांभर और रसम बनाया है, खाएंगे क्या? नहीं। हाँ, क्या करूं? अभी आप सोएंगे ना, बिस्तर ठीक कर देती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? नहाने जा रहा हूँ। नहाने के लिए? क्यों? नहीं, मैंने सोचा कि गर्म पानी कर देती हूँ। जरूरत नहीं है। ए! हाँ? क्या हुआ जी? चूहा है। अब बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, मैं देखती हूँ। आ जाइए आप। कोई बात नहीं, दोबारा दिखा तो मार डालूंगा। अरे बाप रे, कहाँ फंस गई मैं? अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। रुको मैं आती हूँ। हाँ।
दूध यहाँ लेकर आओ। आप आज वो नहीं पिएंगे? मूड नहीं आज। मैं तुम्हें रोज पीने वाला शराबी लगता हूं क्या? लाइट ऑफ करो और सो जाओ। अरे अरे ए जी क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही है। सोने की कोशिश तो करो, आ जाएगी। आई एम हेल्पलेस। हे भगवान, बचा लो मुझे। मेरे जैसा कोई नहीं, हर जगह मेरा ही राज चलता है। दुश्मन सौ मील दूर रहते हैं। हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना। एक बार कमेंट किया तो वाह, कमाल की डायलॉग डिलीवरी, सुपर यार। इसीलिए तो मैं नंदमुरी बालकृष्णा का इतना बड़ा फैन हूँ। सही है। वैसे बॉबी कहाँ पर है? पता नहीं। नहीं पता क्या? कल सुबह प्रोजेक्ट जमा करना है हमें। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था। हेलो, कहाँ पर है? बाथरूम में बंद हूँ। क्या कहा? तू शाम से ही बाथरूम में बंद है? क्या हुआ? अपने बाथरूम में नहीं, देविका के बाथरूम में। देविका के? ए, स्पीकर पे डालना। ये देविका कौन है? अरे देविका मतलब तू सच में किसी रोमियो से कम नहीं है भाई। तूने पुलिस की प्रॉपर्टी पर ही हाथ डाल दिया। ये तो गया। यार अगर पकड़ा तो मुझे पॉइंट ब्लैक रेंज से गोली मार देगा। आगे चलकर तुम लोगों का प्रोजेक्ट पूरा कौन करेगा भाई? ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग देख लेंगे। अच्छा एड्रेस बता। लोकेशन भेज रहा हूँ। ए, अब हम क्या करेंगे? बॉबी सच में बड़ी मुश्किल में है, हमें उसे बचाना ही होगा। ये बता राम का है? अबे उसे छोड़ना, हम दोनों ही चलते हैं ना। वो बहुत फट्टू है और आने से मना भी कर देगा। मैं क्यों आने से मना करूं? अपने पड़ोस के गांव में। ये तू इसे बोलने क्यों नहीं दे रहा? हाँ, अपने पड़ोस में रेव पार्टी है। अच्छा ऐसा क्या? इसका मतलब तो खाना पीना और मस्त धमाल कर रहे हैं। मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा पार्टी पार्टी। ए, 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 तू कुछ बता भी है क्या? मतलब क्या, मैं बोला ना मैं जाऊंगा यार। हाँ चलना यार, मैं जाऊंगा तेरे साथ, मजा आ जाएगा। ये सुनना, मेरे लिए पेक लाना। ये जल्दी ला रे। अरे जल्दी लाना। अरे पार्टी 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 पार्टी। दिमाग का दही कर रहा है ये। तुझे मालूम है क्या है, जिंदगी में असली रेव पार्टी देखा है क्या? नहीं देखी है। और तूने? अरे तो मैं बताता हूँ ना तुम लोग को, असल में लोग इसे भूगा मेला कहते थे यार। त्योहार के समय तो मैं पूरे जोश में होता था, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर बैन लगा दी, तब से रेव पार्टी बोलते हैं। अरे इस पार्टी में आने वाले लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। सच में? अरे सिद्धू, तू तो बोल रहा था कि पड़ोस के गाँव में है, उस गाँव का नाम क्या है? कामापुर। अरे वाह, कामापुरा क्या? सुनना, नाम सुन के ही जोश आ गया। फिर वहां जाएंगे तो क्या होगा यार? कामापुरा, आई एम कमिंग। इस गांव में कानून व्यवस्था है या नहीं? ये कैसा बेतुका सवाल है? यहाँ चारों तरफ लोग हैं, नियम से पंचायत चलती है, मुखिया भी सामने बैठा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गांव में चोर घूमते हैं। अरे तो मैं क्या करूँ? क्या मैं सभी तीर्थ यात्राएं रद्द करके तेरे घर की पहरेदारी करूँ? आप गांव की हालत समझ नहीं रहे हैं। ए, मुझे एक पैकेट सिगरेट देना। क्यों, तू कोई महाराजा है? दो मिनट के लिए साइकिल से नहीं उतर सकता? ऐसी बात नहीं है, चारों तरफ चोर घूम रहे हैं, पता है ना? अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो तुम्हारे शरीर से कपड़े उतार कर भी ले जाएंगे वो। ओ, ऐसा क्या? हाँ,
ए, हंस क्यों रहा है तू? तेरी ऑलरेडी कोई साइकिल उड़ा के ले गया। मेरी साइकिल चली गई तो तूने अपनी सड़ी साइकिल के लिए यहाँ पे पंचायत बुलाई है बेवकूफ कहीं का? दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं। अरे तो क्या करी, चुप रहना। रामलाल क्या हुआ? चुप रहना, मेरा मजाक नहीं है। अरे उसे बोलने देना। हटो ना। मुखिया जी, किसी ने भरे दिन के उजाले में मेरे ब्लाउज में हाथ डाल के पर्स निकाल लिया। दिन के उजाले में उन्होंने तुम्हारा पर्स निकाला, तुम्हें पता नहीं चला? मैंने नहीं सोचा था कि पर्स चुराने के लिए हाथ डाला है। ए रामलाल, जरा संभल के रहा कर। अब आप ही कुछ करिए। मेरे पास एक आइडिया है। सारी औरतें दिन में पहरेदारी करेंगी और सारे मर्द रात में पहरेदारी करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। हमें मंजूर नहीं है, नहीं है। अरे उसका आइडिया तो बिल्कुल सही है। अरे ये क्या बात हुई, दिन में औरतें और रात में सारे आदमी लोग पहरा देंगे तो दोनों साथ में समय कब बिताएंगे? अरे वाह, कभी कभार के मजे के लिए हम अपने मकसद को छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल सही बात कही। हाँ और क्या, अगर इतनी ही इच्छा जाग रही है तो मुंह पे तौलिया डाल के सो जाया करो। हाँ। आज से सभी लोग अपनी शिफ्ट के हिसाब से पहरे पे रहेंगे। हाँ। अच्छा अपना बॉबी कहाँ है? एसआई के घर में। एसआई के घर में? उसने ऐसा कौन सा कांड किया? दरअसल एसआई की वाइफ थोड़ी मैथ्स में कमजोर है, इसीलिए हाँ। वो उसके घर उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया था। क्यों, उसे मैथ्स नहीं आती है क्या? लगता है काफी ज्यादा कमजोर है। ओहो, खैर बात चाहे जो, ये बात तो माननी पड़ेगी, बॉबी जीनियस है। ये देख गाड़ी आ रही, रोके उसे। ए रुको रे, ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एसआई का घर कहाँ है? अच्छा उस गली में दूसरा मकान है, क्यों? लेकिन क्यों? वो हमारा दोस्त और हमारा दोस्त लापता है सर, उसी की कंप्लेन लिखवाने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस गांव में कोई मेला वेला चल रहा है क्या? मेला वेला नहीं है, यहाँ हम लोग चोरों को ढूंढ रहे हैं, गांव की पहरेदारी पर हैं। अच्छा तो एक काम करना, अगर वो मिल जाए ना तो मेरी तरफ से भी मार दीजिएगा उसे, गधा कहीं का। वो रहा साई का घर। हे तो उसे बस 10 मिनट संभाल ले, तब तक मैं सोचता हूँ कि बॉबी को कैसे बाहर निकाले। अच्छा राम, अभी ये कहाँ गया? जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, अले 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 अले। राम, ए राम, क्या कर रहा है? अरे जब भी कोई यार, अरे रुकना, पहले प्लान तो बनाने दे। अरे काहे का प्लान यार, पार्टी के लिए देर हो रही है, चलना। तू उसे कैसे निकालेगा? अरे मैं उसे कैसे निकालूंगा यार, मैं ऐसा का दरवाजा खटखटाऊंगा, फिर मैं उसको पूछूंगा, सर आपकी पत्नी के साथ मेरे दोस्त का काम हो गया है तो उसे भेजिए ना, पार्टी में जाना है, सिंपल। ए, वो उसे तेरे साथ नहीं भेजेगा बल्कि सीधा ऊपर भेज देगा। ये वो हम लोग को क्यों मारेगा? वो यहाँ एसआई की पत्नी को पढ़ाने नहीं आया था। तो फिर उसका पति नाइट ड्यूटी पे था तो? नाइट ड्यूटी मतलब? उसका पति नाइट ड्यूटी पर था और वो घर में अकेली थी, तो उसको कंपनी देने के लिए। रेव पार्टी का झांसा देकर मुझे यहाँ पर लाया? अरे ऐसा ही तो उसे बाद में मारेगा, लेकिन मेरा बाल कृष्णा पहले ही उसे मारेगा। हे राम, रुक जा, तुझे बाल कृष्णा की कसम है। अरे यार मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग अपना प्लान बताओ मुझे। हमें उसका दरवाजा खटखटाकर उसे बातों में उलझा कर रखना होगा और उसी वक्त उसकी पत्नी बॉबी को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देगी। अरे सिद्धार्थ, गांव में रात के 10:30 बजे एसआई के साथ तू क्या बातें बनाएगा बे, उतरा लंगोटिया यार है क्या? तो फिर दरवाजा खटखटाने के लिए हमें कोई ठोस वजह चाहिए। एक इमरजेंसी आ गई है। क्या है? सर कल्याण हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ, सर, हाँ, सर, सर। सर वो बहुत जख्मी हो गया है और आईसीयू में है। हाँ, सर, हाँ, सर, हाँ, सर, हाँ, सर, और पूछने पे पता चला कि वो आपके गांव से है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। प्लान काम कर गया। विकी, कार को पीछे के दरवाजे पे खड़ा कर और बॉबी को वहीं से पिक कर ले। हाँ। और हम एसआई को बातों में ले जाएंगे। इधर आ, अब क्या हुआ? अबे दरवाजा मत खटखटा। पर क्यों? क्योंकि कोई बैकडोर है ही नहीं, पीछे दरवाजा ही नहीं है। अब क्या करें? क्या हुआ? हे यहाँ चल, निकलते हैं। ए कौन हो तुम लोग, क्या काम है?
सर हम जेंटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। असल में हम चार दोस्त हैं सर, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं सर, चौथा दोस्त बॉबी है सर। सर आपने कभी सुना है क्या कि मैथ सिखाते हुए बाथरूम में लॉक हो गया है कोई? अबे बस कर। ये बॉबी की हिस्ट्री बंद करो और बताओ तुम्हें क्या काम है, बोलो। सर कल्याण के हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया सर, और उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, और हमें मालूम चला कि वो आपके गाँव से ही है सर। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात किसे जाकर बताएं, तो इसीलिए हम आपके पास चले आए सर। हाँ सर। नाम क्या है? श्री श्रीनिवास सर। श्री या निवास? श्रीनिवास सर, कोई श्री बुलाता है कोई निवास सर। हाँ हाँ सर। हाँ बॉबी, अभी अभी यहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है। अच्छा एक मिनट रुको, सुनो। तुम इस गांव के किसी श्रीनिवास को जानती? नहीं, हो? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। अपने पड़ोसी महेश से पूछो। कितनी सुंदर है यार, बॉबी ने मैथ्स एग्जाम पास कर लिया क्या? वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। हाँ? तुझे कैसे पता? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, खुद ही समझ जा। अच्छा है? महेश जी, महेश जी। आहा, क्या कुदरत की रचना है। सॉरी, मुझे लगा कि पुराने एसआई की पत्नी ने बुलाया है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? महेश सर, सर आप भी यहीं पर हैं क्या? उसका नाम क्या है? श्रीनिवास। ओ श्रीनु है, जानता हूँ सर, वो क्या श्रीनु। हाँ सर, अगर गूगल में मुजरिम का नाम सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे क्या हुआ है सर? उसकी गाड़ी का कल्याण में एक्सीडेंट हो गया है। श्रीनु की गाड़ी का एक्सीडेंट? इन लोगों ने बताया। ये सब तो शक्ल से ही पॉकेट मार लग रहे हैं। उसके किसी रिश्तेदार को बुला के लाओ। अरे हाँ यार, उसी की बात कर। सही बोला तूने। हाँ देखो क्या। अरे महेश, अब एसआई के घर में कौन सी पंचायत कर रहा है? सही टाइम पर आए हो, तुम्हारे श्रीनु का कल्याण हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, श्रीनु का एक्सीडेंट हो गया है। श्रीनु का एक्सीडेंट हो गया है। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पक्का मर्डर प्लान है। अबे अब ये कौन है? मेरे बाप का नाम है पुलिहोरा, मेरा नाम राजा, पुलिहोरा राजा सर। ए, कैसे पता कि ये मर्डर है? हाँ सर, ये पक्का मर्डर प्लान है। पिछले पंचायत चुनाव में अपना श्रीनु मुखिया के खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ था, उन दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर थी। उसी खुन्नस में आकर जरूर उसी ने मर्डर किया होगा। ए श्रीनु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? तेरा समय पूरा हो गया, पक्का मरेगा। और सभी को यही लगेगा कि लॉरी के हादसे में तेरी मौत हो गई। लॉरी से? हाँ लॉरी। तेरा टाइम पूरा हो गया है। सर मुझे पूरा यकीन है कि एक्सीडेंट में मुखिया का हाथ है, मैं अभी साबित कर सकता हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ बता। लॉरी ने उड़ा दिया। देखा ना सर, मैं अभी आपको और सबूत देता हूँ सर। श्रीनु को फोन कर, फोन कर। भाई फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखा ना सर, तू मुखिया को फोन कर। भाई इसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देख लिया ना सर, और कितने सबूत चाहिए? एक्सीडेंट के लिए यही जिम्मेदार है। हाँ सर। हाँ सर, हम अपने दोस्त का बदला लेंगे, मुखिया को छोड़ेंगे नहीं। ए, रुक जाओ, पहले हॉस्पिटल जाकर श्रीनिवास की शिनाख्त करनी होगी, उसके बाद मुखिया का हाथ है या नहीं पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कदम उठा सकते हैं। मैं तैयार होकर आता हूँ, कल्याण जाना होगा। मेरे पति कल्याण जा रहे हैं, कल्याण जा रहे हैं। मेरे पति कल्याण जा रहे हैं। बॉबी को भेज दूंगी, मैं बॉबी को भेज दूंगी, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आप मेरे बाल कृष्ण जितने माने। चुप करे, मुझे बोलने देना। अगर सर इस गांव में नहीं होते तो इस गांव में चार मर्डर होते। अब बता कौन रिस्पांसिबल है? अगर श्रीनिवास इनका दोस्त हुआ तो मुखिया का इस एक्सीडेंट में हाथ हो सकता है क्या? अबे थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करेगा कि नहीं? गलत बोला तो मार डाल मुझे, मार डाला। शांत रहना, समझाना इसे। इसकी बात में दम है, हमें चेक करना होगा। देखा ना, सुन लिया ना क्या बोला महेश? बस कमाल दिखा आया सर। सर अभी मुखिया कहाँ पर होगा? तीर्थ यात्रा पर सर। और उसकी फैमिली? वो लोग घर पर ही हैं सर, उसकी औरत, छोटे बच्चे। एक काम करो सर, उसके पूरे परिवार को मेरे घर लेकर आओ। असल में अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो एसआई के घर पे कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना। निकल यहाँ से।
छोड़ना यार, निकल यहाँ से। नहीं हटाओ, अरे छोड़ना, अरे छोड़ दे। अरे ओ शशिकला, मुझसे पहले क्यों उतर गई? नीचा दिखा रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, अगर मैं बैठी रहती तो आप नीचे कैसे उतरती? आइए। अरे चंद्रकला, तू भी तो मुझसे पहले उतर गई, तू हद से बाहर जा रही है। हद से बाहर जाती तो मोटी तगड़ी होती, सूखी दुबली पतली नहीं। उतर जाइए। तेरे ताने अच्छे से समझती। अरे ड्राइवर महाशय, आजकल गांव भर में चोर घूम रहे हैं, जल्दी घर पहुंच के घर का ध्यान रखना। अबे ये तो और खतरनाक है, ये सारी तो इंस्टा फैमिली लग रही है। अगर ये सब घर के अंदर चले गए तो बॉबी को निकालना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सब तेरी वजह से हुआ। तेरी तो मार क्यों रहा? अगर फिर से मारा ना तो सारी सच्चाई बता दूंगा मैं। जय बालकृष्ण। जय बालकृष्ण। जरा सुन, ये मैं क्या सुन रही हूँ, श्रीनू का एक्सीडेंट हो गया, हमें इसका बड़ा अफसोस है। तेरी तो उस एक्सीडेंट में तो उसे मर जाना चाहिए था। गैस बंद कीजिए और अंदर जाइए। अच्छा सुनिए ना, ये शशिकला है और ये चंद्रकला है, तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कला बेवकूफ। बेवकूफ तो क्या हम तेरी आरती उतारे? बेवकूफ कहीं का। अंदर जाइए, इस गांव में कोई इज्जत नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, अंदर चलो। मेरे वापस आने तक इनका ख्याल रखना, अगर मेरे अलावा कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। ए, सर, सर, तुम लोगों ने श्रीनिवास को हॉस्पिटल पहुंचाया था? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। कौन से हॉस्पिटल? कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक आदमी मेरे साथ चलो। सर एड्रेस नहीं मिला तो तुम बता सकते हो, काम आसान हो जाएगा। ओके सर। तुम नहीं, ये ज्यादा होशियार लगता है। नाम क्या है? राम सर। चलो। हाँ हाँ चलिए। अपना ध्यान रखना। ऐसे क्यों बोल रहे हो? डर लगे तो बालकृष्ण है ही। तुम दोनों को डर लगे तो मेरे नाम की माला जप लेना। हे हाँ बोलना। अच्छा हुआ इस गांव में शीनू है। हाँ लेकिन हॉस्पिटल में और आईसीयू के अंदर शीनू है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन सबको जरा ध्यान से देख, जब इन्हें पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये आईसीयू में तुझे लटा देंगे, तब तो तेरा पाल कृष्णा भी कुछ नहीं कर पाएगा। जा। क्यों रे? अभी आया। बाल कृष्णा बचा ले रहा। बड़ी परेशान लग रही है, आखिर ऐसा हो क्या गया है? मुझे क्या पता। ए लड़की, तुम्हारे यहाँ ऐसा ही चलता है क्या कि मेहमानों को कुछ नहीं पूछते? हाँ बताइए ना, क्या लेंगी आप? मुझे घूरना छोड़कर जाकर मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। ये खड़ी क्यों है, बोलो ना कुछ लाने के लिए। मेरे लिए जूस, माँ जी के लिए एनर्जी ड्रिंक और इनके लिए कॉफी। बहू एक बार फिर से बताना। इनकी सास के लिए कॉफी, मेरी सास के लिए बूस्ट और मेरे लिए जूस। जी ठीक है, लेकर आती हूँ। क्या करूँ, मुसीबत मोल ले ली। अरे बताओ अब मैं क्या करूँ। मेरे पति बाहर गए। तो इसका मतलब मैं बाहर निकल सकता हूँ? रुको अभी नहीं, मेरे पति तो बाहर चले गए लेकिन 7-8 लोगों को घर पर छोड़ कर गए। जैसे ही मौका मिलता है दरवाजा खोलती हूँ, तब तक रुको। ए, जल्दी से राम को फोन करके पता कर। नॉट रीचेबल आ रहा है यार। कहीं उन सबको ये पता तो नहीं चल गया कि वहाँ पर श्रीनू नहीं है? श्रीनू वहाँ पर नहीं है? ए तुम लोग क्या छुपा रहे हो? हाँ क्या है? क्या हुआ मैं? हाँ? कोई परेशानी है क्या? मुझे इन चोर जैसे दिखने वाले चीटनों पर शक हो रहा है, ये लोग हमारे श्रीनू को नहीं जानते मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस बात पर लफड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए मारने की जरूरत है। इस ग्रुप फोटो में श्रीनू कौन है बताओ? तुम लोग दोनों ध्यान से देखो, श्रीनू को पहचानने में इतनी देर क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने ही उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया था ना? हाँ तो पहचान लो ना, इन चारों में श्रीनू कौन है बताओ? हाँ ए,
ए, इन लोगों ने अपने दोस्त की ही मदद की है और तू इन पर शक कर रहा है। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ए, इसकी बात मत सुनो, चलो पागल चल रहे। ए, तूने श्रीनु को कैसे पहचाना? वहां देखो और उस तरफ, अपने चारों तरफ देखो। ए, क्या बात है यार, फिलहाल पोस्टर ने तो बचा लिया लेकिन आगे क्या होगा? ए, बताना क्या करें, बॉबी को कैसे निकालेंगे? कुछ कर यार। क्या लगता है, हमें नहीं पता कि तुमने अपने पति को भेजकर प्रेमी को बाथरूम में छुपा दिया है? ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच नहीं है माँ जी, आपने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि दोपहर को मैंने उन्हें खाना नहीं दिया, शाम को इसलिए डांटा क्योंकि मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई, इसलिए आज रात जब वो घर आए तो मैंने उनसे पूछा सोना है क्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कॉफी में शक्कर कितनी डालनी है ये पूछने के लिए आई थी। 3 चम्मच मेरे, 2 चम्मच इनके और 1 चम्मच इनके सास के लिए। याद रहे, अगर आज के बाद इसकी घबराहट देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जरूर इसके बाथरूम में कोई है। मुझे नहीं लगता। यकीन से कह सकती हूँ, जरूर ऐसा ही है। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। बेचारे ससुर जी। बात हुआ, अब खीखी करना बंद करो और ये बताओ कि पता कैसे करें। मैं उसे कहूंगी मुझे बाथरूम जाना है, अगर वो आसानी से मान गई तो समझो कोई नहीं है, मगर उसने ना नुकुर की तो पक्का अंदर कोई है। आ गई, आ गई। ये लीजिए बेटी, मुझे जरा बाथरूम जाना था, मुझे डायबिटीज है ना, बार बार जाना पड़ता है। तुमने पाप किया है श्री देवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेकार में बेकार के सीरियल है, कभी कभी कैसा टॉर्चर करते हैं ना। हाँ, मुझे बाथरूम दिखाओ ना। कहा आंटी, बाथरूम का फ्लोर बहुत स्लिपरी है, आप फिसल जाएंगी। बाहर एक बाथरूम है, आप वहाँ जा सकती हैं। तुमने शीनू के दोस्तों को नहीं देखा, हम पे टूट पड़े तो, धक्का मारा तो, हमला किया तो, जान से मार दिया तो, मैं इसी बाथरूम में चली जाऊंगी। चलो जाओ, ले जाओ इन्हें। चलो बेटी। मैं उस मुखिया को छोड़ूंगा नहीं। कोई श्रीनिवास यहाँ पर एडमिट हुआ है? तेरी जान ले लूंगा अगर वो नहीं निकला तो। एक अनजान एक्सीडेंट केस तो है। थैंक यू सर जी। क्या तुम कामापुर से हो? वो तो मैं समझ ही गई थी। अंदर जाकर देखो, वो तुम्हारा ही दोस्त है ना। एक एक करके जाइए प्लीज। ए जंपा, देख क्या। ये मेरा सीनू भाई नहीं है यार। सीनू नहीं है? अब अरे डाउट करने से पहले देखो ना। करता सल्ली कर लो। सीनू, सीनू सर, ये वही सीनू है सर, वही कद वही काठी। अब मैं मुखिया को छोड़ूंगा नहीं सर। ए मुखिया, आराम से, एक और आदमी जाकर चेक करो। ए राजू, तू देख क्या। अरे नहीं नहीं, ये अपना सीनू भाई नहीं है। उफ, तुम्हारे पास फोटो है? ठीक है चलो। बाप रे। बहुत बुरा हुआ सर।
मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है ठीक से। जल्दी जल्दी मैं अपना चश्मा ही भूल गई। अरे कुछ आवाज भी नहीं आ रही। अरे कोई आवाज नहीं आ रही। छोड़ो, धीरे धीरे सुनाई देना भी कम हो गया क्या? दूर से देखने की कोशिश करती हूँ। दिख नहीं रहा। अरे जगह भी कितनी कम है। ये दवा ले लीजिएगा। हाँ ठीक है। सर आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन सर, आप यहाँ कैसे? ये तो आपका एरिया नहीं है। वो मैं एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है। हम उसका चेहरा देख सकते हैं एक बार? कम से कम 5 दिन तक तो उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल है। क्या किया जाए? तो कैसे पहचान होगी? बिल्कुल सही है भाई, सही है। ट्रीटमेंट से पहले हमने उसका चेहरा पहचानने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसका चेहरा नहीं पहचान पाए और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया सर। इसे लेकर गांव वालों ने बवाल खड़ा कर दिया है। तुम दोनों साथ में बोलोगे क्या? क्या हम उसे एम्बुलेंस में ले जाकर गांव वालों को दिखा सकते हैं? बाद में वापस ले आएंगे। हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से तो आप नहीं ले जा सकते, लेकिन जैसा सिचुएशन बता रहे हैं उसके हिसाब से ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू। अरे तुम जाके अपना काम करो। कोई मिला क्या? बाथरूम के अंदर एक खोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है वो उसी खोखे में होगा। मुझे नहीं लगता, मैं सही कह रही हूँ, पक्का वो उसी में होगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? एक्सपीरियंस? बेचारे ससुर जी। यूं दांत दिखाना बंद करो और सोचो कि अब आगे क्या करना है। ए, कुछ ही देर में वो ऐसा ही भी गांव पहुंच जाएगा। ऊपर से मुखिया की फैमिली भी यहीं पर है, हम लोग बॉबी को कैसे निकालेंगे यार? गांव की पावर सप्लाई कट करनी होगी ताकि बॉबी अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल पाए। एक काम कर, तू बॉबी को मैसेज कर और उसे बोल तैयार रहे, हम पावर ऑफ करते हैं। अरे बच्चे लोग, तुम लोग कुछ खेल क्यों नहीं रहे हो? क्या खेले हम माँ? छुपा छुपी खेलो ना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इन बच्चों को बुरी तरह हिचकी आ रही है, जरा बैठ जाओ ना। बैठो ना, आइए आ जाओ, आओ बैठो, बैठ जाओ। अरे जूस पियो ना। बच्चों को खेलने दो, तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाओ। 7, 8, 9, 10 चोर होशियार, पुलिस आ रही है। क्या हुआ बेटा? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझसे पूछो ना, मैं मदद करती हूँ। जाकर किचन में देखो। ओके। वहाँ भी कोई नहीं है। तो स्टोर रूम में जाकर देखो। देख लिया, वहाँ भी कोई नहीं है। बेडरूम में देखा क्या? ओके। तुम्हें क्या हुआ? इतनी ठंड में तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? आउट आउट आउट, चोर पकड़ा गया। दो चार और चोर बाकी है। ए, इस तरह चुप मत रहे यार, कुछ तो बोल। टेंशन मत ले यार, हमारा प्लान परफेक्टली काम कर रहा है। बाथरूम में जो गंदे कपड़े रखने वाला खोखा है उसमें जाकर ढूंढो, चोर पक्का मिलेगा। ओके। ए, हाँ? बॉबी का मैसेज आया। Do it very fast. My situation is very bad. चला जा, हमें पावर सप्लाई जल्दी काटनी होगी। पावर?
पावर किसने कट किया यार? अरे उससे हमें क्या करना है, हमें तो जल्दी बॉबी को निकालना होगा। चल ये जरूर उन चोरों का ही काम होगा, क्योंकि ये सब वही कर सकते हैं, पावर सप्लाई काट के घर को लूट लेते हैं वो। ए तुम लोग उधर जाओ, ए बाकी मेरे साथ चलो। चलो इस बार लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तुमने, मैं भी देखता हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा। अरे मेरी नजर कमजोर हो गई है। चंद्रकला क्या है? जरा देखना ये दो लोग मेरे सामने कौन खड़े हैं। ससुर जी को शीनू की जगह इस औरत को मार देना चाहिए। एक ये तो है माँ जी। सच में नजर कमजोर हो गई है तो। क्यों भाई, ये हमारे शीनू भाई है क्या? अरे खोल कर देख लेते हैं ना। चल छोड़ ना, पहचानने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या कहा, पहचानने के लिए कुछ भी नहीं बचा? अरे शीनू, मेरे घर में चोरों की तरह कौन घुसेगा? जब मेरा पति घर में नहीं होगा, घर में कौन घुसेगा? कौन घुसेगा? ए हटो यहाँ से, चिल्लाना बंद करो, दरवाजा खोलो। बॉबी कहाँ है? लाइट दो मिनट लेट आई होती तो बॉबी हमारे साथ ही होता। तो अब क्या करें? ए, इन लोगों को ये पता चलने से पहले कि ये उनका श्रीनु नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। अरे रुकना, थोड़ी देर और रुकते हैं। श्रीनिवास की माँ कहाँ है, बुलाओ उसे। जरा साइड हटो। क्या हो गया? देखो अम्मा, हमारे श्रीनु के साथ क्या किया? तेरा अगला प्लान क्या है? सारे गांव वालों को लगता है कि यही शीनू है, और इसी बात का फायदा उठाकर हम दोनों गैंग को लड़ा देते हैं। एक है मुखिया की गैंग और दूसरी शीनू की, दोनों को आपस में लड़ा देते हैं। ऐसा ही सिचुएशन को संभालने में लग जाएगा, और इसका फायदा उठाकर हम बॉबी को वहां से निकाल लाएंगे। जय बालकृष्ण। सुपर यार। लगता है शीनू के एक्सीडेंट में मुखिया कहां थे? अभी तक तो शक था, अब कंफर्म है। कंफर्म कंफर्म। इसे गांव में नहीं मार सकते, इसलिए बाहर बुला कर मारा, जानबूझ कर मारा। हथियार निकालो रे, उन लोगों ने श्रीनु को गांव से बाहर निकल के धोखे से खंजर घोपा है, उसकी गैंग का एक आदमी भी नहीं बचेगा। हम भलाई से गांव से बाहर ले जाकर क्यों मारेंगे, हम क्या यहाँ नहीं मार सकते? अपने मर्दों को भेजो। बॉबी जल्दी करो, चलो आ जाओ। अबे बंद करो, पीछे हटो। हेलो, क्या प्लान है यार? कमाल का प्लान है, कमाल कर दिया। अभी नहीं, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, हम बच जाएंगे। सर फोड़ दो, हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। अरे देख क्या रहा है, सर फोड़ दो इसका। असल में लड़ाई क्यों हो रही है पता है क्या? इसने कहा मुखिया ने आपको मार दिया। अरे सब लोग मेरी बात सुनो। अरे हम लोग आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कबीने चोर कह के तो ये था उनका प्लान। महेश भाई तुम बिल्कुल सही थे, वो लोग चोर हैं। उन लोगों ने पूरे गांव को आपस में लड़ाकर उलझा दिया और सब कुछ लूटकर गाड़ी में भाग जाने का प्लान बनाया है। तो यही था तुम्हारा प्लान? हाँ सर।
ए, तू चोरी का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया बे? अबे सच बोल दूंगा तो बॉबी खतरे में पड़ जाएगा। जय बालकृष्णा। जय बालकृष्णा। मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूँ, झगड़ा बंद करो और घर जाओ। चलो जाओ यहाँ से सब लोग जाओ। लेकिन उन चारों का क्या सर? इन्हें मैं देख लूंगा। फिर ठीक है सर। चलो 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 अब चलो यहाँ से चलो 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 चलो। आप तो अच्छे इंसान हैं, आपको तकलीफ में देखकर तरस आ रहा है। जब किसी को परेशानी हो तो पुलिस से कहता है, और पुलिस को ही परेशानी हो तो क्या? बार बार बाथरूम जाया करो, सच वहीं पर मिलेगा। कहाँ छुप गई? गुड नाइट सर, मैं भी चलता हूँ। चलो 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 सब लोग चलो। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? मुझे नहीं पता क्यों कहा। हाँ? मेरे सर की कसम मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मेरे पाइल्स के बारे में बता दिया? हाँ। छे, अजीब औरत है। घंटे भर के लिए बाहर क्या गया? तुमने गैरों के सामने मेरी सारी पोल खोल दी। आप स्टेशन जा रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर सुबह आपको जल्दी जाना है क्या? 3 दिनों तक स्टेशन नहीं जाना है मुझे। क्या 3 दिनों तक? शॉक क्यों हो गई? हाँ, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हो, सरप्राइज्ड। पी ले, दम भर के, ग्लास लेके जा और पैक बना के ला तू मेरा। पी ले, जी भर के, अरे हो गया है टाइम। पीऊंगा तभी तो दिमाग चलेगा ना। पी ले, जी भर के, पी ले। क्यों रे, ज्यादा गाना निकल रहा है क्या? थैंक सर, बैठने नहीं हो रहा था मुझे, अब मैं बैठ गया। कौन सा केस है? अरे मेरा दोस्त और ईसाई की पत्नी है ना। अबे इसे क्यों बता रहा है तू? चोरी के केस में। वाव, ये तो मेरे गेस्ट है। ये क्यों बोल रहे हो यार? अरे रुक जा, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ कर रहा हूँ। रुक जा। हेलो, क्या है रे? मेरे दोस्त होगा, जरा चाय ले। नहीं, नहीं, क्यों रे, नाश्ता भी मंगवा देता हूँ। जो भी मंगा रहा है एक्स्ट्रा मंगा लेकर। ए कांस्टेबल, इसको भर पेट खिलाओ। नहीं सर, नहीं सर, अरे अरे क्या मतलब? जी, क्या हुआ? लग गई क्या? बहुत जोर की लगी। दर्द हो रहा है, लगता है सूज गई है। बर्फ की सिकाई करो उसमें। अबे हवलदार, क्या है रे? मेरे दोस्तों को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए करा तो। आईसी क्यों रे? तेरे लिए पेन किलर मंगवाता हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, जो बोला वो लेकर आ। तेरी जात का ऑर्डर दे रहा है, तेरे बाप के नौकर है, बीमारी में आया है। चुपचाप बैठ, नहीं तो हड्डी तोड़ दूंगा। और चाहिए? अबे आईसी तो मारा था, इतना फुटेज क्या कर रहा है? चुप बैठ यार। अबे तू है कौन? अब ब्रदर पूरा मनादर मदर, पागल कहीं का। अबे अकलमंद हूँ। ए इससे दूर बैठना यार, इससे चक्कर में हड्डी पसली टूट जाएगी। चल 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 चल। अबे क्या कर रहा हूँ? तुम लोग धंधे वालों के साथ जाकर बैठोगे? हमारे पैसे का क्या होगा रे? पता नहीं क्या क्या। कितना स्मार्ट दिख रहा है वो देख। सिद्धू, वो सामने वाली ने मुझे सिग्नल दिया। मेरे छोकरे इतने कमजोर नहीं है कि तेरे सिग्नल से भाग जाएंगे। हम लोग चोर लोग हैं, समझी क्या तू? अगर तुझे ये सब पसंद है तो अपने घर का एड्रेस दे, रात को हम लोग पहुंच जाएंगे। बेवड़ा कहीं का, चुप चुप कर। ए सिद्धू, ये पक्का हम लोग को रेप केस में फंसाएगा यार। ए चल निकल यहां से। एक आईडिया है। वो क्या है? सब पुलिस वाले बिजी है। हाँ, यही मौका है, भाग निकलते हैं। मस्त आइडिया है। शांति से क्यों बैठा? भागने का प्लान सुना? तू बता ना। पुलिस स्टेशन में आके बहुत कॉमेडी कर रहा है क्या तू? हमारे सीआई आ गए ना, तो तेरी अच्छी खिदमत करेंगे। तेरा सीआई? बता तो क्या कर सकता है? क्या कर सकते हैं? ये तेरे बगल में कामपुरा का मुखिया बैठा है, उससे पूछ, वो बता देगा। तुम ही कामपुरा के मुखिया हो क्या? मुझसे कुछ मत पूछो, मुझसे किसी बारे में कुछ मत पूछो। पर गांव वालों ने कहा था तुम तीर्थ यात्रा पर गए हो। अरे यार, वही तो रेड में पकड़ा गया।
तीर्थ यात्रा पर रेड? हमारे गांव का तीर्थ यात्रा मतलब ये होती है। वो सब तो ठीक है, पर सियाई का क्या? वो अच्छों के लिए देवता है, बुरों को धोता है। आम भाषा में बोलूं तो हटेला है हटेला। तुम क्यों घबरा रही हो? पहली बार है क्या? उनसे बोल दूंगा कि दोस्त वैसे रहती कहाँ हो? क्यों भाई, फ्रीडम फाइटर अजय माल्या का बर्थडे, तुझे मालूम नहीं कि आज ड्राई डे है? आज के दिन शराब बेचना अपराध है। तेरी हिम्मत कैसे हुई है? बोल, तूने हिम्मत कैसे की शराब बेचने की आज के दिन? अरे इसके सर पे तो खून सवार है। और शराब बेचेगा? ए सर, देखिए इस वक्त होश में नहीं है सर। जब ये होश में आएगा तब इसकी खबर लूंगा। ओके सर। सलाइन चढ़ा दो इसको। चलो उठाओ। अरे ये बताओ सर, वो लोग कौन है? देह व्यापार का केस है सर। देह व्यापार? अगर देह व्यापार का केस है तो इनका मुखिया कामापुर वाला ही होगा। मैं यही हूँ सर। लव यू राजा। आप लोग हर महीने यहाँ इतने दिल से आते हैं कि आप सब लोगों को दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। तो हम शुरू करें क्या? अगर दूसरी किसी रेड में आप पकड़े गए तो मैं खुद अपने हाथों से आपको मार डालूंगा। सर मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद भी मेरी आत्मा वहीं पे भटकेगी। आप प्रोग्राम शुरू कीजिए। सच में? 100%। मम्मी, पापा, दादी, आई। सीआई साहब का जूस लेकर आओ भाई। तेरा बहुत नाटक हो गया, चल जा। सर शर्ट सिकुड़ गई है, बदल लीजिए सर। वो लोग कौन है? कामपुरा का चोरी का केस है सर। आओ। तुम लोग सब हट्टे कट्टे जवान लग रहे हो सर। मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते क्या? चोरी करने की हिम्मत कैसे की? बालकृष्ण का नाम जप रहे हो? कौन बालकृष्ण? नंदामुरी बालकृष्ण? वही ग्रेट बालकृष्ण जो हमारे महान नेता चंद्रबाबू नायडू के भाई और बहनों ही दोनों लगते हैं। हाँ सर। तो तुम भी बालकृष्ण के फैन हो? हाँ सर। अरे मामा, मैं भी बालकृष्ण का फैन हूँ, लेकिन मुझे तुमसे नफरत है राजा। सर ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम बालकृष्ण के फैन हो, क्योंकि उसकी वजह है बालकृष्ण के फैन कभी गलती नहीं करते हैं। सर माँ कसम मैं बालकृष्ण का फैन हूँ सर। तुम बालकृष्ण की जिंदगी के करियर के बराबर भी नहीं हो। तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो ये बताओ मुझे। मैं बालकृष्ण के बारे में क्या जानता हूँ? इतनी बचकाना सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। बालकृष्ण के बारे में आप कितने जानते हैं? आपको उनका प्यार पता है? आपको उनका गुस्सा पता है? आपने उनका भयंकर रूप देखा है? क्या आपने उनका धैर्य देखा है? क्या आपको पता है वो एक चमत्कारी है? मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बालकृष्ण श्री एनटीआर के छोटे बेटे हैं। उनका जन्मदिन 10 जून 1960 है। उन्होंने 1974 में पहली बार ततम्मा कला के साथ काम किया था। उन्हें अपनी पहली फिल्म में बाल कलाकार के रूप में बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला था। नरसिम्हा नायडू, सिमा और लेजेंड, वो एक महान कलाकार है जिन्हें अपनी कलाकारी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्हें गौतमी पुत्र सताकर्णी और श्री रामा रजयम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। ऐसे महान है हमारे बालकृष्ण। बस इतना ही नहीं, सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये सर अवार्ड और सम्मान की बात छोड़िए सर, समरसिम्हा रेड्डी 30 सेंटर्स 175 डेज, नरसिम्हा नायडू 109 सेंटर 100 डेज, वो तेलुगु सिनेमा के महानायक है सर। वो असल जिंदगी में एक लेजेंड है सर। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, कैंसर पेशेंट के लिए फ्री में हॉस्पिटल चलाता है वो, जिसकी नींव उनके पिताजी ने खुद अपने हाथों से रखी थी। और बेहिसाब जरूरतमंदों की मदद की है अपने बालकृष्ण ने। अपने बालकृष्ण के बारे में तारीफ करूं तो दिन कम पड़ जाएंगे। फैन सिर्फ वो नहीं होता है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट खरीदे, फैन वो होता है जो अपने कलाकार की हर अदा को अपने सांसों में बसा ले, हमेशा उसे ही याद करे और अपनी हर धड़कन में उसे महसूस करे, वो होता है असली फैन। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम फैन ऑफ बालकृष्ण। Any doubts? और मैं हूँ पावर स्टार पवन कल्याण का फैन। गलती हो गई। फैन सिर्फ वो नहीं होता है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट खरीदे, समझ गए ना आप? फैन वो होता है जो अपने कलाकार की हर अदा को अपने सांसों में बसा ले, हमेशा उसे ही याद करे, वो होता है असली फैन। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम फैन ऑफ बालकृष्ण। एनी डाउट्स? बालकृष्ण। राजा तुम बालकृष्ण के सच्चे फैन हो, मैं यकीन करता हूँ, लेकिन तुम बालकृष्ण के डाई हार्ड फैन बिल्कुल नहीं हो। आप कैसे कह सकते कि मैं बालकृष्ण का डाई हार्ड फैन नहीं हूँ? बॉयज गर्ल्स
जय बाल कृष्ण, जय जय बाल कृष्ण, जय बाल कृष्ण, जय बाल कृष्ण। नींबू सस्ता, सेब सस्ता, बाल कृष्ण दिल में बसता। इडली डोसा खास है, बाल कृष्ण हमारी सांस है। माजा फ्रूटी, बाल कृष्ण नाटी। 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 तो राजा सर, अब मुझे पूरे दिल से ये यकीन हो गया है कि तू बाल कृष्ण का डाई हार्ड फैन है। पर आप उनके डाई हार्ड फैन है, इस बारे में मुझे डाउट है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? और नहीं तो क्या सर, फिनिशिंग टच के बिना बाल कृष्ण कथा कैसे खत्म होगी? कोका कोला पेप्सी, बाल कृष्ण सेक्सी। कोका कोला पेप्सी, बाल कृष्ण सेक्सी। काफी दिनों के बाद मेरी मुलाकात बाल कृष्ण के किसी डाई हार्ड फैन से हुई है। जोश भर दिया तुमने। थैंक यू सर। तुम लोग कामापुरम किस लिए आए थे ये बताओ? आप तो जानती हैं फ्रीडम फाइटर अजय माल्या का जन्मदिन है, ड्राई डे है सर। कामापुरा के अलावा और कहीं भी बोतल नहीं मिलेगी, बस इसलिए आए हैं। तो ये बताओ क्या ये वही ब्रांड है राजा? हाँ सर। सर, सर। मजे करो। थैंक यू सर। देखो मैं सिर्फ इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि बात सिर्फ शराब की है, लेकिन अगर कहीं लड़की का मामला होता तो मैं पक्का तुम्हारा एनकाउंटर कर देता। तुम लोग अब मुझे आसपास भी नजर नहीं आओगे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कभी आपसे मुलाकात नहीं होगी सर। आप हमारा यकीन कीजिए, हम रास्ता बदल देंगे। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैंने जिंदगी में पहली बार गलती की और उसी की सजा मिल रही है। अच्छा, ये तो कभी छुट्टी नहीं लेते। अभी ने 3 दिन की छुट्टी लेना जरूरी था क्या? मैं बॉबी को बाहर कैसे निकालूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है हमारी समस्या क्या है? हम समस्या से भागना चाहते हैं बजाय समस्या का समाधान निकालने के। तुम्हारी समस्या है तुम्हारा पति और इसका समाधान है तुम्हारी डॉक्टरी। ये टैबलेट तुम्हें सुस्त बना देगी लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलेगा इनसे। तो फिर और क्या करूं मैं? एक एक करके सारी समस्याओं का सामना करो, समाधान निकल आएगा। मुझे आपसे बात करनी है। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे कुछ बात बतानी थी। क्या बताना है? बात ये है कि। जल्दी बोलो। जब मैं एग्जाम देने शहर गई थी तो। एग्जाम? कौन सा एग्जाम? मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक और समस्या है जो उससे भी बड़ी है। और वो कौन सी समस्या है? जब मैं एग्जाम देने के लिए शहर गई थी तब मैंने वहाँ पर बॉबी नाम के लड़के से दोस्ती कर ली थी। आपने कहा था आप घर नहीं आओगे तो मैंने उसे बुला लिया, लेकिन आप अचानक से आ गए तो फिर मैंने उसे बाथरूम में छुपा दिया। अरे बाप रे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे प्लीज, अरे ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। बॉबी बहुत अच्छा लड़का है, वो कॉलेज का टॉपर है, उसका कॉलेज कैंपस में जॉब के लिए सिलेक्शन भी हो गया है। प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, उसे कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज। तूने
उससे ऐसा क्यों कहा कि हम रास्ता बदल देंगे? ए, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। ऐसा नहीं है, मैंने सच में बोला। तूने सच में बोला क्या? ए, अरे तू इस तरफ क्यों जा रहा है? हमने 4 साल बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, हॉस्टल चलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो ही हमारी लाइफ सेट होगी। मेरी बात सुन, हम अपनी लाइफ बाद में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बॉबी के बिना हम कॉलेज नहीं जाएंगे, समझा? गाड़ी पीछे ले। गाड़ी घुमा। मैंने कहा गाड़ी पीछे ले। नहीं बोला पीछे ले। गाड़ी पीछे ले। अरे तुम लोग पागल हो क्या? स्टीयरिंग के साथ मस्ती मत करो यार। तू एक नंबर का सेल्फिश आदमी है। जबान संभाल कर बोल। मैं इतनी दूर झक मारने आया था, किसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन की हवा खाई? मैं अगर सेल्फिश होता तो ये सब करता? हाँ, हर चीज की एक हद होती है यार। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, हमारी नौकरी ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी। सबसे पहले हमारे लिए माँ बाप हैं। क्या ये सही है कि किसी एक की वजह से हम तीनों मुश्किल में पड़ जाए? हाँ, वो हमारा दोस्त है। ठीक है, अगर दोस्ती और करियर के बीच में कुछ चुनना हो तो मैं अपना करियर ही चुनूंगा, मेरा करियर। और तो और उसने भी हद कर दी, एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करना गलत नहीं है क्या? बता मुझे। अपनी बकवास बंद कर, तू साथ में चलेगा या नहीं? ए राम, चल यहां से। ए राम, जरा सोच, दोस्ती के लिए जिंदगी बर्बाद मत कर। अगर तू पकड़ा गया तो ऐसा ही तुझे गोली मार देगा। तूने उसे कैरेक्टरलेस कहा, अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के जा रहा है तू, तो तेरा कैरेक्टर कैसा है? चाहे वो गलत हो या सही हो, पर वो मेरा दोस्त है, समझा? बॉबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी ना। बहुत बड़ी गलती? वो सजा के लायक ही है। नहीं रे, वो सजा के लायक नहीं है रे, वो तो कॉलेज का टॉपर है। वो चाहता तो उसके सारे दोस्त पढ़ाकू होते, लेकिन उसने हम लोगों के साथ आखिरी बेंच पर बैठना पसंद किया। वो मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं है, वो राइस ज्यादा है, फिर भी उसने हम लोग के साथ रूम शेयर किया। वो सच में गलत है यार। जब हम अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के लिए क्लासेस बंक करके जाते थे, वो रात भर जगकर हमें कॉन्सेप्ट समझाता था। हम हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसने आज तक हमारी बातों का बुरा नहीं माना। ये लेक्चर मुझे क्यों दे रहा है? उसने दोस्ती के नाते किया। मतलब हम उसके दोस्त थे और वो हमारा दोस्त नहीं है, ऐसा कहना चाहता है? हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ने भेजा है, लेकिन हमने पढ़ाई की कब? तुझे याद नहीं है क्या, वो सेकंड ईयर में जब तू हर सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तब तू अपने माँ बाप के डर से सुसाइड करने चला था, तब उसने ही हमारा साथ दिया था, समझ गया तू? वो हमारा रियल हीरो है। आज उसकी मुसीबत के कारण सिर्फ हम ही हैं, समझे? उसे सिगरेट पीना सिखाया, दारू पीना सिखाया, हम ही उसके टांग खींचते थे, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ए, अब तू कहाँ जा रहा है? देख, मैं डरपोक जरूर हूँ, लेकिन तेरी तरह मतलब ही नहीं हूँ। सिद्धू, सिद्धू, सॉरी यार। अरे सॉरी बोला ना। अरे सॉरी यार, छोड़ ना। अरे सॉरी बोला ना यार। अरे प्लीज मुझे माफ कर दे यार। चल बॉबी को लेकर आते। कितना टाइम खराब कर दिया यार तू, चल ना। बॉबी वेट कर रहा होगा, चल चलते। अरे अरे आंख बंद करके रखा है। मेरी आंखें अभी खुली है। जय बालकृष्ण, आ जाओ। हे, अगर तुझे लगता है कि बॉबी गलत है तो पहले उसे बाहर निकाल और जोर का तमाचा मार उसे, फिर उससे ये सवाल पूछना कि एक शादीशुदा औरत को कैसे बहका सकता है वो, पर मुसीबत में दोस्त को नहीं छोड़ते। अरे बाप रे, देख देख क्या हुआ। हेलो 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 मैडम, आप ठीक हैं? हेलो हेलो, आर यू ओके? मैडम मैडम, क्या हुआ? आप कौन है? आप ठीक तो है ना? ए, लड़की हमारे हवाले कर दे। ए, पता है हम कौन है? आधी रात को तुम किसी लड़की का पीछा करते हो और फिर अपनी पहचान बता रहे हो, ब्लडी फूल्स। भाई यहाँ से जाओ। मैंने कहा ना जाओ। ए, बीच मत आ, बोला ना।
निकल यहां से निकल, अभी वापस आना मत इधर, मार दूंगा। हे वो लड़की कहां गई? अरे बाप रे, कहां चली गई हो? अरे यहीं पर तो थी। हाँ, कहां तो? चली गई? किधर गई हो? अरे बाप रे, आखिर गई कहां? ए सिद्धू, वो गाड़ी में भी नहीं है। कहां चली गई वो? खुशी इस बात की है कि आधी रात में हमने उस लड़की को गुंडों से बचाया। उसने हमें थैंक्स भी नहीं बोला यार। हम भी तो एक आदमी ही है ना, बेचारी सोचकर डर गई होगी। चल छोड़, चलते हैं। चल चोर पकड़े गए हैं ये सोचकर गांव वाले शांति से सो गए होंगे। कार को यहीं पर छोड़कर हमें एसआई के घर जाना होगा। हाँ। आगे हमें क्या करना है मैं कुछ नहीं पता, पर बॉबी को कैसे भी निकालना होगा। जय बालकृष्ण। ओके। अरे बाप रे, चुप जा, चुप जा। अरे इस टाइम पर तो भूत ही इधर उधर घूमता रहता है, ये कौन है बे? अरे देखना, लगता है वो चला गया। उठ जा। अच्छा। अरे वो वापस आ गया। अरे यार चुप जा। मैंने तुम लोगों को देख लिया है, यहाँ कोई है नहीं, समझ गए? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चाहते हो मैं गांव वालों को बुला दूं क्या? ये लोग फिर से गांव में वापस क्यों आ गए? सत्ती पांडू की बेटी के लिए तो नहीं आए? कुक्कल राव की बहन के लिए आए हो क्या? अप्पा राव की बेटी का बॉयफ्रेंड रमेश है, सुब्बा राव की बेटी के कई बॉयफ्रेंड्स है। 3:4:99 हर उम्र और कद काठी के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है इस गांव की कोई भी लड़की सिंगल नहीं है। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शराब के लिए। अबे चलो मेरे घर पर। वो क्यों? क्यों? मदिरा। मैं पैक बनाने में परफेक्ट हूँ, एक इंच का फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पियो। चीयर्स। वो फोटोज किसकी हैं? कौन है वो लोग? मेरे दादा तूतकुड़ी ताता राव, मेरे नाना तूतकुड़ी पापा राव। ये गोरी लड़कियों से इतने घिरे हुए क्यों हैं? मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। ऐसा क्या? अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले पहली पीढ़ी के फ्रीडम फाइटर मेरे दादाजी थे। आपके पिताजी क्या करते थे सर? छुप कर दान करते थे। और आप क्या करते हैं सर? मैं उनकी विरासत को कंटिन्यू रखता हूँ। सर एक भी औरत नहीं दिख रही है, मेरा मतलब है कि आपकी फैमिली में कोई औरत नहीं है क्या? मेरी फैमिली नहीं है। ओहो। आई एम सिंगल बट आई ऑलवेज मिंगल। ओह मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं 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 हुई है। गांव वालों ने बेटी नहीं दी होगी। अगर मैं अभी यहाँ कह दूं तो 100 लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए भागी आएंगी। हाँ बट आई हेट गर्ल्स। आखिर आप उनसे नफरत क्यों करते हैं? कंफ्यूजन यार, कंफ्यूजन। उनको यही पता नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। अगर उन्हें 2-4 बार फोन कर दो तो उनका रवैया ही बदल जाता है। यही सब देखकर मेरा उन लोगों में से इंटरेस्ट हट गया है। अगर तुम उनको ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो वो तुमको एक नंबर का पागल समझेंगी। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो वो समझती हैं कि तुम्हारे अंदर रोमांस ही नहीं है। फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के साथ प्यार मोहब्बत ये सब मेरे जीवन में कपड़े का बिजनेस जैसा है। आई मीन गिव एंड टेक। नहीं समझे क्या? अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मानता हूँ लड़कियाँ मुसीबत में डालती हैं, इसका मतलब हम सन्यासी बन जाएं? पेट्रोल का दाम बढ़ने से गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं क्या? लाइट बिल के डर से क्या हम लाइट नहीं जलाते? भाइयों
तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। लाइट भले ही तुम यूज करो लेकिन बिल पड़ोसी को भरने दो। गाड़ी भले तुम चलाओ लेकिन पेट्रोल पड़ोसी को भरने दो। वो कैसे? ये देखो ऐसे। अब तुम लोग बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? क्या वो सच में एसआई के घर पर है? अरे महेश जी, तुम्हारे दोस्त को मैं बचाऊंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा। कितना चाहिए? किसे चाहिए पैसे? तुमको कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। सर आप क्या चाहते हैं? सर देविका को पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे दोस्त को बचाया। तुम्हारे दोस्त को उसके सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। उससे मेरी पहचान करा दो। मतलब? महेश बहुत अच्छा इंसान है, उसका मन बहुत साफ है, महेश बहुत महान है, महेश हमारे लिए भगवान समान है। ये खुद तो अंधेरे में दिखाई नहीं देते पर हमारे जिंदगी में उजाला करने वाले भगवान है ये। आप ही हमारे भगवान हैं, कुछ कीजिए सर। अरे नहीं रे, मैं अपने आदमियों से कुछ नहीं लेता हूँ। महेश महेश, अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या तुम हर रोज बस एक घंटे मेरे साथ बिताओगे? अगर तुम राजी हो तो मैं हर घंटा तुम्हारे साथ बिताऊंगा। महेश जी आप हमारे लिए भगवान हैं। तुम्हारी जगह वहाँ पर नहीं है, यहाँ है। बस यही। ईसाई के घर में जाएंगे कैसे और क्या कहेंगे? मैं तुम लोगों की तरह बचकानी हरकत करके ईसाई के दरवाजे पर जाऊंगा क्या? मैं कौन हूँ तुम जानते हो? मेरे खानदान के बारे में तुमको पता है? तूतकुड़ी महेश, नाना तूतकुड़ी पापा राव, दादा तूतकुड़ी ताता राव, फ्रीडम फाइटर। ये क्या है सर? आ जाओ। ये कौन सी जगह है? ये सुरंग है रे, सुरंग है। मैंने बताया था ना, पिछले एसआई की बीवी के साथ मेरा कनेक्शन वाईफाई की तरह था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है सर? एक मिनट। झटका लगा क्या? हिल गए क्या? अब तक मैंने यही सुना था कि युद्ध के समय भागने के लिए सुरंग बनाई जाती थी, पर कोई मोहब्बत के लिए सुरंग बनाता है ये आज दिखा है। यही तो मेरी खासियत है। इसकी तो मैं असली मत कहीं भी सुरंग बना सकते हैं और स्वर्ग का मजा ले सकते हैं। ये तस्वीरें किस लिए हैं? जिस मर्द को प्यार की बारिश में भीगने का शौक होता है वो मोहब्बत की छतरी पास में लेकर चलता है। चलो चलते हैं। चलो रे, घुड़सवार घोड़े पर चल। सुरंग बनाता है क्या? कहाँ ले जा रही है? और कितनी दूर सर? लोकेशन पर आ गए। हाँ, एक मिनट। हाय शकुंतला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति घर पर हैं। मैं तुम्हारे पति से डरता हूँ क्या? जाओ यहाँ से। ए, शकु, इतनी दूर तक आ गया हूँ तो कुछ दे दो ना शकुंतला। मुझे कुछ नहीं देना है। शकु, ये नालायक आजकल घर पर ज्यादा ही रहने लगा। क्या हुआ सर? ओह शिट, सॉरी यार, रॉन्ग नंबर लग गया। पर तुमने कहा था एसआई की पत्नी से मिलने के लिए बनाई है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसे रास्ते सिर्फ एसआई के लिए नहीं बनाती, हर घर के लिए बनाती है ताकि इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सके। मैंने भी की। मैंने इसके जैसा पागल इंसान आज तक नहीं देखा। बाल कृष्णा की कसम आज इसे मार दूंगा। ए, होश में बात कर भाई, जोश में नहीं। उसका ईगो हट मत कर वरना तेरे घर तक सुरंग ले जाएगा वो। कहाँ रह गए तुम लोग? अभी आया। आई वांट टू फॉलो यू। आई वांट टू फॉलो। तुम भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया हूँ। मुझे रूट मैप देखना पड़ेगा। रूट मैप ही इधर जाएंगे तो राइट जाऊंगा तो सरिता सुलोचना सावित्री है, लेफ्ट जाऊंगा तो कुमारी कल्याणी कावेरी है, बैक गया तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर सीधे जाना पड़ेगा। ये सब कौन है? मेरे ग्राहक लोग हैं। पागल कहीं का, शर्म नहीं आती? आया बड़ा खुद को फ्रीडम फाइटर के घराने का बोलने वाला। अबे
राजा, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे कि नहीं यही सोच रहे हो ना? हाँ, 1937 में जब ब्रिटिश सैनिक के साथ युद्ध हो रहा था तो मेरे दादा उनके साथ मैदान में युद्ध कर रहे थे। तब मेरे दादाजी ने ब्रिटिश के घर में जाने के लिए सुरंग बनाई थी। और उससे क्या हुआ? उससे क्या होने वाला था, गोरी अंग्रेजन को काले बच्चे पैदा होने लगे और अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई तो इंडिया को आजाद होने से 10 साल पहले ही मेरे दादा ने उन्हें भगा दिया था। दैट इज माई दादा तुतकुड़ी ताता राव। और तुम्हारे दादा करते क्या थे? बीज बोना। कौन से बीज? इंसानी बीज। बच्चे वा, वा, वा। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, अपने दोस्त को फोन करो। ए बॉबी, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन। मैं शाम से तेरी ही बात सुन रहा हूँ। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो? हम लोग एसआई के घर के बेसमेंट तक पहुँच चुके हैं। हेलो, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? अरे द ग्रेट तुतकुड़ी महेश जी की मदद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी। अबे ये कौन है आप? तू अभी कहाँ पर है? बाथरूम में। बाथरूम में हमारा कनेक्शन नहीं है, स्टोरूम में, उसको बुलाओ। अबे तेरे चट्टे, ये मेरे बाप का घर नहीं है कि जो आराम से घूम सकता हूँ मैं। बाथरूम का दरवाजा लॉक है और सारी लाइट्स भी ऑफ है। स्टोर रूम कहाँ है ये भी नहीं पता है मुझे। फोन इधर लगाओ, मैं उसको समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले उस खोखे से बाहर निकलो। अब दो कदम आगे बढ़ो। ओके सर। अब राइट में मुड़ जाओ, फिर तीन कदम आगे बढ़ो। ओके सर। तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'7" सर। 2 फुट हवा में छलांग लगाओ, एक रस्सी मिलेगी। मिल गई सर। उस रस्सी को खींचो तो तुम्हारे सामने एक सीढ़ी आएगी। उसके ऊपर चढ़कर ऊपर आओ। सर मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को ऊपर खींचना मत भूलना, क्योंकि बहुत लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हाँ सर। अब रेंगते हुए आगे बढ़ो, तुम्हें मुर्गियों का एक दरबा दिखेगा। दरबा दिखा? हाँ सर। उसके अंदर अजगर का बच्चा होगा। अजगर का बच्चा? मजाक रे, छोटा सा मजाक। सर किस तरफ जाऊं मैं? राइट में आ। सर आपका राइट या मेरा? मेरे राइट में आ। ठीक है सर। इतना स्लो क्यों चल रहा है बे, जरा फास्ट चलना। राइट में ऊपर की तरफ बेल नजर आई? हाँ सर। एक कदम आगे बढ़कर खड़े हो जा। ऊपर आ गया सर। अब अपनी आंखें बंद कर ले। सर कूद जा। सर मुझे डर लग, मुझे पता था तुझे डर लगेगा, इसीलिए आंख बंद करने के लिए बोला। कूद जा सर। कूद जा रे सर। कूद जा सर। कूद जा रे। क्यों रे, कूद गया ना? सर कूद गया। कूद गया देखा? हाँ 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 सर देखा ना। तेरे सामने कौन है? मेरे सामने एसआई है। एसआई आप स्टोर रूम में कूदने के लिए कहा था, उसके बदले तू बेडरूम में कूद गया। कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो मी। I have one more idea, chloroform. अब इसे क्या करेंगे ये? इसको इतने हल्के में मत लेना रे, इसकी मदद से तो मैंने जिंदगी में कितने मजे लूटे हैं यार। इसके बारे में तुमको क्या पता है? हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा प्लान क्या है? फॉलो मी। बाप रे, एक और रास्ता। तू रुक जा, तू मत चढ़ना, तोड़ देगा। कम ऑन फॉलो मी। अब तुम लोग देखना, ये रुमाल मैं एसआई के मुंह पर डालूंगा और एसआई बेहोश हो जाएगा। आ, 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 आ,
तेरी तो पागल कहीं का। उसे स्टोर रूम में बुलाना ही नहीं चाहिए था। नहीं तो अब वो बेचारा बाहर हो गया। हाँ। क्लोरोफॉर्म का असर अगले 4 घंटे तक रहेगा। अब हम क्या करें? ये सब इस पागल से पूछो। पंडित शादी करवा सकता है, सुहागरात नहीं करवा सकता। इसमें मेरी क्या गलती है? ए, रुक जाओ। हे, बॉबी इस समय होश में नहीं है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। कैसे भी करके उन चोरों को इस गांव में वापस लाना होगा। लेकिन हम उन्हें कहां से लेकर आएंगे? चोर हम बनेंगे। अपने चेहरे पे मास्क लगाना होगा। उसके बाद ईसाई के घर का दरवाजा खटखटाएंगे और जैसे ही वो बाहर आएगा रॉड खींच के मार देंगे और बॉबी को वहां से निकाल लाएंगे। बाप रे, प्लान एक नंबर है। अब चल। तू जाके कार रेडी करता हूं। रुक जाओ, ये क्या, तुम लोग अपना प्लान कैसे बना सकते हो? तुम्हारे साथ एक बड़ा आदमी खड़ा है, उसके साथ डिस्कस करने का भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? क्यों, प्लान पसंद नहीं आया? कैसे पसंद आएगा? बॉबी को बाहर निकालने का प्लान था, लेकिन बाद में तुम लोग देविका से मेरी तारीफ करने वाले थे और मैं उसको अपने गले से लगाने वाला था और उसके बाद तुम मेरा आशीर्वाद लेने वाले थे, ये बात तो तुम लोग भूल ही गए। उसके बाद तुमने आपस में फैसला भी कर लिया। अरे वाह। अरे सॉरी सर, हम बस आपसे डिस्कस करने की सोच ही रहे थे। फिर हर बात की याद दिलाऊं क्या? अरे वाह, चलो चलो चल चल आ जा। अरे 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 रुक जाओ यार, उससे गले लगाना चुमना छोड़ो, कम से कम उससे मेरी मुलाकात तो करा दो यार। लगता है अभी भी प्लान समझ में नहीं आया है, फिर से समझाते हैं। फिर से? ऐसी फिल्में बताओ जिसमें बाल कृष्णा ने पुलिस का काम किया हो। यस सर, रावड़ी इंस्पेक्टर, लक्ष्मी नरसिम्हा, इंस्पेक्टर प्रताप, सीमा सिन्हा। यूनिफॉर्म में कभी कॉमेडी करते हुए देखा क्या उन्हें? नहीं सर। तो तुमने क्यों की? हमारे आदमियों से उन लोगों ने उस लड़की को बचा लिया जो 2 मर्डर की सस्पेक्ट थी। हमें शक है कि उन मर्डर्स में उन लड़कों का भी हाथ है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि वो लोग खूनी निकलेंगे। तुमने प्रोसीजर फॉलो किया? नहीं किया सर। FIR फाइल की थी? नहीं की सर। कम से कम इंक्वायरी की होगी ना? वो भी नहीं की सर। देखो मिस्टर, मैं भी बालकृष्ण का फैन हूँ। I love you, sir. हमें उनके आदर्श और सिद्धांतों को मानना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी को दांव पर लगाकर नहीं। सॉरी सर, मैं फौरन उन पर मर्डर केस दायर करता हूँ सर। आप मुझे सिर्फ 2 घंटे का समय दीजिए, वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा सर। यार आखिरी वक्त में इसने काम भी गांठ दिया। क्या बोल रहे हो? एसआई को मारकर अगर बॉबी को लेकर निकल भी आएंगे ना, तो कल हम पर ही इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और हम सबके सब इसमें फंस जाएंगे। ये सही बोल रहा है यार। ये सब तुझे किसने बताया? स्वाति यार। स्वाति? अरे वही लड़की जिसे हमने रात में बचाया था, वो हमारी गाड़ी की डिक्की में छुप गई थी यार। तुम्हारे दोस्त को बाहर निकालने में मैं मदद करूंगी। पर कैसे? इससे तुम्हें क्या मतलब? हमें तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, मैं उस औरत की कर रही हूँ। हमारा समाज ये मानता है कि आदमियों से गलती हो सकती है लेकिन औरतों को इसका हक नहीं है। उसे बेइज्जत करता हुआ, खींचता हुआ सड़क पर ला खड़ा करता है समाज। सही मायने में ये प्रॉब्लम किसे है पता है? तुम लोगों को या तुम्हारे दोस्त को नहीं है, उस औरत को है। हम यहाँ 4 मर्द मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये पिद्दी सी लड़की, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पहाड़ गिरा दूंगी, भूचाल ला दूंगी कह रही है। छोटी तुम घर जाकर टीवी प्रोग्राम देखो, जाओ। चल चलते हैं। मैं उल्टा लटक गया क्या? ये क्या किया तुमने? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसको बोलो मुझे नीचे उतारने के लिए। इस गांव की कई औरतें मेरे सहारे अब भी नहीं। दीदी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतार दो प्लीज। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी। स्वाति जी हमारे साथ चलिए। थैंक्स दीदी। बाप रे, अरे बाप रे, कामापुरा का प्लेबॉय हिल गया क्या? अपना ध्यान रखना। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उस घर में, बेडरूम में है। बेडरूम कहाँ है? वहाँ देखो, वो कोने में जो दिख रहा है ना, वही। ये कहाँ गई? वहाँ देखो। ये गांव वाले अपनी बेटियों की शादी 16 साल में ही कर देते हैं। अगर इनको ओलंपिक में भेज देना तो ये सब गोल्ड मेडल लेकर आएंगी यार।
इस लड़के से कुछ नहीं होगा यार, क्या करेगी वो। तुम लोग भी एक नंबर के पागल हो। बजरंग बली, पर सोना। ए, वो दोनों आगे हो रहे हैं यार। हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार, गांव वाले कभी भी उठ सकते हैं। हाँ, वही तो। अब करो या मरो का समय आ गया है, अपना अपना मुंह ढक लो। तो फिर मैं क्या करूं? सुरंग खोदने वाले हैं। बोलिए सर। नरसिम्हा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तीन नौजवान जिन्हें तुमने थोड़ी देर पहले पकड़ा था, वो असल में खूनी है। वो चार लोगों की गैंग है और उनमें से एक लड़की भी है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इस वक्त वो तुम्हारे गांव में ही है और मुझे शक है कि वो तुम पर हमला करने की तैयारी करेंगे। वो लोग मुझ पर हमला क्यों करेंगे? जरा सोचो, वो लोग तुम्हारे घर क्यों आए थे? झूठी कहानी सुनाने। वो क्यों तुम्हें काकीनाड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे थे? चोरी में पकड़े जाने के बाद वो लोग हमें झांसा देकर भाग गए और फिर एक और खिचड़ी पकाई, ये कहकर कि वो लोग स्टूडेंट है और यहाँ शराब लेने आए थे। इतना सब होने के बाद भी वो लोग तुम्हारे गाँव में दाखिल हो गए, सोचो। और तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? जब सारी कड़ियाँ मिलाई तो मुझे एहसास हुआ कि तुम उन लोगों के निशाने पर हो। मैं पुलिस फोर्स भेज रहा हूँ, तुम बस होशियार रहना। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं सर। अम्मा,
से कपड़ा उठाओ। नील डाउन, नील डाउन। चलो बोलो, यहाँ किस लिए आयो? बोलना, यहाँ क्यों आया? सर कुछ नहीं मालूम। सर कुछ नहीं, हम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि श्रीनिवास का एक्सीडेंट हो गया? कुछ नहीं मालूम सर, मत मारिए। बोल सर, सच बोलो। बोलना, तुम लोग अकेले मुझे कल्याण क्यों ले जाना चाहते थे? अगर मुंह नहीं खोला ना, यही दफन कर दूंगा। यार सच बता देता ना। बोल, बोलना। सिद्धू अब सच बता देता है सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा यार, मैं और मार नहीं खा सकता। सिद्धू बता देता है ना। नरसिम्हा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, साइड में हट जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। जमीनो धोखेबाजो, मैंने तुम्हें बिरयानी खिलाई, तुम्हें शराब की बोतलें तोहफे में दी, और तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने पुलिस वालों को मारा, अपनी गैंग की उस लड़की को बचाया जिसने अपने पति और बच्चे का खून किया। क्यों किया तुमने ऐसा? बताता हूँ सर, हमें नहीं पता था कि वो लोग पुलिस वाले हैं। बस हमने एक लड़की को गुंडों से बचाया था सर, पर बाद में पता चला कि जिन्हें हमने मारा है वो पुलिस वाले हैं। इसीलिए हमें लगा कि हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो हमने सोचा उस लड़की को पकड़ के पुलिस के हवाले करते, इसीलिए उसका पीछा करते सर। और वो जाकर एसआई के घर में छिप गई, और इसीलिए हम एसआई के घर में उसे ढूंढने के लिए आए थे सर। हमारा यकीन कीजिए सर। हाँ सर। ए, अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो लड़की जरूर घर के अंदर होनी चाहिए सर। देखिए ना, कांस्टेबल सर, पूरे घर की तलाशी लो। चलो जल्दी आओ। लक्ष्मी तुम उस रूम में देखो। यस सर। ओके, तुम उस तरफ देखो। ओके सर। सर लड़की यहाँ पर है। लक्ष्मी इसको होश मिलाओ। ए लड़की, लड़की उठ। बाप रे। बेटी स्वाति, मुझे बताओ बेटा, आपने मेरी शादी उससे क्यों की थी? आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मार्केट जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, पढ़ाई के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, आपसे बात करने तक के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, ये भी कोई जिंदगी है? मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि गुलाम थी। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, जागीर समझता था। उसे मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं था, बस मेरी जिस्म से मतलब था। वो सिर्फ एक जानवर था जिसमें कोई एहसास नहीं। एक शादीशुदा आदमी को बस अपनी जिंदगी में औरत की जरूरत होती है, जबकि एक औरत को जिंदगी में प्यार की जरूरत होती है। दरवाजा खोलने में अगर देर हो जाए तो सवालों के जवाब देना होता था। इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? अपनी ही बीवी पर शक करता था। हर आदमी को शक भरी नजरों से देखता। एक रात नशे में धुत उसने मेरी बच्ची को जमीन पर पटक दिया और वो वहीं मर गई। इसीलिए मैंने उस कमीने को मार डाला। उसने मेरी 6 महीने की बच्ची को मार डाला।
आप जितना प्यार करते थे वो उसका एक चौथाई भी करता ना, तो मैं जिंदगी को सहार देती। भगवान ने मर्द और औरत दोनों को बराबर बनाया है, लेकिन मर्द पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि औरत की भी उतनी ही ख्वाहिश और हसरत होती है जितनी की उनकी होती है। भगवान शिव ने पत्नी को अर्धांगिनी बनाया, भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी को अपने दिल अपने मन में बसाया, ब्रह्मदेव ने पत्नी को जुबान पे जगह दी सिर्फ ये बताने के लिए कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। लेकिन ये मर्द औरतों को पैर की जूती समझते हैं। तो रो मत बेटा, रो मत। मैं तुम्हारे खून के मामले को आत्मरक्षा का केस बनाकर दायर करूंगा, ये बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। कॉन्स्टेबल्स चलिए यार। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? वो गैस पर दूध चढ़ा है। लेट जाओ। एजी। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। इस वक्त मंदिर में क्या कर रही हो? देविका, तुम कॉफी पियोगी? वो किस लिए? इतने दिनों बाद मुझे अकल आई। मेरे दिमाग में पुराने जमाने की छोटी सोच बसी थी, जो अपनी पत्नियों को कुछ समझते ही नहीं है। मैं भी उन्हीं में से था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसके बावजूद भी तुमने मुझसे हमेशा वफादारी की। थैंक्स। मुझे आपको बताने में डर लग रहा था। मैंने एमएससी कंप्लीट कर ली है। अच्छा किया। पढ़ाई इसलिए की ताकि आगे जॉब कर सकूं। जो तुम चाहो। आपके पीठ पीछे मैं अपने घर वालों से, माँ बाप से बात करती हूँ। मैं नहीं, तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। सॉरी। मैं कुछ भी कहती तो आप मेरी हर बात को क्रॉस चेक करते थे, आपको याद है? मुझे इससे बहुत नफरत है। अब जाके मुझे एहसास हुआ। जब सारी गलतियों के जिम्मेदार आप खुद है तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूं, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। हे, ये बता कि तू बाहर कैसे आया? मुझे खुद पता नहीं यार। हाँ, इतना याद है कि ऊंचाई से कूदा था। जब मेरी आंख खुली तो देखा सुरंग में था, फिर मैं बहुत लंबा चला और फिर मुझे एक सीढ़ी दिखाई दी। ऊपर चढ़कर दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने, मेरा पति घर पे नहीं है, जल्दी अंदर आओ। अरे रुको ना, मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ भी चलेगा, अरे कहाँ जा रहे हो? अबे हंसो मत यार, चुप रहो। अगर तू उसके साथ जाता ना तो हम तुझे मार ही डालते। हे चुप कर यार, बेवकूफ कहीं का। हे सुनना, मैंने बोला था
जिंदगी की कुछ गलतियाँ हमारी जिंदगी को बेहतर बना देती हैं। तुम मेरी वो गलती हो। मुझे यकीन है अब से मेरे पति एक अच्छे इंसान साबित होंगे। मैंने नई जिंदगी में एक कदम रखा है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। ऑल द बेस्ट। एक बात तो है, मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ समझा उतने भी बेवकूफ नहीं हो। थैंक गॉड। हेलो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। फ्रेंड तो बन सकते हो, लवर नहीं बन सकते। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस क्या है? उसकी जॉब यूएस में होनी चाहिए, हैंडसम होना चाहिए और हेलो हेलो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें शॉपिंग जाना है, सुपरमार्केट जाना है, या फिर तुम्हें मायके जाना है, या फिर किसी से भी मिलने जाना है, और उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़े। ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल मत करना, बल्कि ऐसे लड़के से शादी करना जो तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी सारी बातें माने और तुम्हें फुल आजादी दे। सिद्धू, सिद्धू। सर, ये वही लड़के हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तुमने इन्हें किताबों से सबक सिखाया होगा, मैं इन्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाऊंगा। Let's start Viva with Harsha. पहला सवाल, प्रभास की शादी कब होगी? अब हमें कैसे पता होगा सर, जाके कृष्णम राज से पूछिए ना। ओके, राजा मौली की दूसरी फिल्म कब रिलीज हो रही है? सर ये तो उन्हें भी नहीं पता होगा। बहुत अच्छे। ओके, नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उड़ीसा में जमीन का दाम क्या है? हेलो सर, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे स्टाइल मत मारो, समझे? सर आप हमसे सारे बेमतलब के ही सवाल पूछ रहे हैं। तुमने भी तो प्रिंसिपल की बेटी के फटे में टांग डाली थी ना बेटा। ये उसी का नतीजा है। अब मैं तुमसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है? जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विस प्रोजेक्ट सर। कहाँ से खरीदा? अमीरपेट में सर। और उसके कितने पैसे दिए? 5,000 सर। उसकी कीमत तो 2,000 हुआ करती थी। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? देश को तुम जैसे इंजीनियर्स की ही जरूरत है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा बेटा। ऑब्वियसली सर। तो हमने अपना प्रोजेक्ट में पास कर लिया ना? शट अप, मैं तुम्हें कैसे पास कर सकता हूँ? कॉलेज जाओगे नहीं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे और आखिर में प्रोजेक्ट की कालाबाजारी बनकर रह जाओगे। इतना तो मैंने भी सॉल्व कर लिया बेटा। सर सर सर, मजाक नहीं कर रहा है, मान जाइए ना, प्रोजेक्ट हमने बनाया सर, उसमें से कोई सवाल पूछिए हम उसका जवाब देंगे। अगर मैं तुम लोगों को डिग्री देती तो सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुम्हें तुम्हें फौरन रिजेक्ट करता हूँ। जय बालकृष्ण, जय बालकृष्ण, जय बालकृष्ण। तुम बालकृष्ण के फैन हो? हाँ सर। तो क्या आप भी हैं सर? मैं पवन कल्याण का फैन हूँ। मतलब हमारा प्रोजेक्ट गया कचरे में। कचरे में क्यों जाएगा? तुम बालकृष्ण के फैन हो, मैं पवन कल्याण का फैन हूँ, तो बेसिकली हम लोग सिनेमा के फैन है ना। क्या बात है सर। तो क्या हमें पास भी कर देंगे सर? जय पावर स्टार, जय बालकृष्ण।